रेडी, आपको हाय काजल, दिख रहा हाँ है भाई फ्रेम सही है ना? जी आई दिख रहा है, जी जी सही है। एम गुड मैम, आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन टाइगर, इंडियाज बेस्ट डांसर के विनर बन यू सो चुके। मच ओके, मैम, थैंक यू कितनी सो मच। खुशी है, कितनी खुशी है। और जब आप अपने घर लौटे तो किस तरीके का स्वागत हुआ है आपका? मैम बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि काफी सालों का सपना था मेरा, एंड मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना अच्छा फील हो रहा है। मतलब लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है, एक बहुत बड़े लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारा प्यार है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास एक एनर्जी है, मेरे पास एक सपोर्ट है, जिससे मैं अब मेहनत करके अपने सपनों को और चार चांद लगा सकता हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और यस, जब मैं घर पे आया तो काफी अच्छा स्वागत हुआ। जिस गली से मैं डांस करता हुआ एयरफोन से गुजरता था, आज उसी गली में मेरे लिए लोग फोन फोन का अपना कैमरा ऑन कर खड़े थे, तो काफी अच्छा लगा एंड काफी मजा आया। टाइगर, अगर आपसे जाना जाए तो आप अपनी जर्नी इंडियाज बेस्ट डांसर में कैसे देखते हैं? मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, मुझे बहुत मजा आया। मतलब होता है ना कि आप घर पे बैठे हो और आपका एक सपना है, एक गली में, एक छोटे से घर में, जहाँ हम रेंट में रहते हैं, उस रूम में बैठ के आप एक सपना देख रहे हो, एक उस फैमिली से जिस फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आर्टिस्ट लाइफ में नहीं है। तो मैम वो मेरे लिए एक सपना, सपने को पूरा होने का जो फील होता है ना, कि रियल में पता लगता है कि आज सपना पूरा हुआ है, तो कैसा फील होता है, वो वाली फीलिंग मैम बड़ी अमेजिंग है। एंड मैं काफी हैप्पी हूँ, खुश हूँ, और मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ हमेशा, हर सेकेंड में उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है मैम। ओके टाइगर, जब आप फर्स्ट फाइनलिस्ट बने थे तो कहीं ना कहीं ये चीज आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट कब हुआ था कि मेरे जो फैंस हैं, मेरी जो जनता है, वो मुझे विनर बना के ही रहेगी? यस मैम, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला था, मुझे लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे, क्योंकि मेरा जो डांसिंग था, मेरा जो डांसिंग को लेकर प्यार था, वो उनके दिलों तक पहुंच रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एंड मैं काफी हैप्पी था कि मुझे सिर्फ जजेस से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से प्यार मिल रहा है। लोग दुबई, कनाडा, यूएसए, मतलब जापान, मैं कोरिया, सोचो, जहां तक मैंने नहीं सोचा वहां से मेरे को प्यार मिल रहा है। तो बड़े ही अमेजिंग बात थी मैम, एंड उनका ही प्यार है जिसकी वजह से मैं इंडिया बेस्ट डांसर बना हूँ आज। मम्मी का आशीर्वाद था, हमने देखा मम्मी ने आपको थ्रू आउट जर्नी बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी, जब आपके हाथ में इंडियाज बेस्ट डांसर की ट्रॉफी थी, मम्मी का क्या रिएक्शन था और मम्मी के क्या लव्स थे, उन्होंने क्या कहा आपको? मैम वो पल बड़ा ही अमेजिंग, मतलब बोलते हैं ना कि एक जादुई पल था, जब लग कहते हैं ना कि एक जादूगर आया और मैजिक करके आपका सपना पूरा कर दिया, ऐसा पल था। जब मेरा नाम लिया गया कि इंडिया इज बेस्ट डांसर इज टाइगर पॉप, तो मम्मी पापा सब खुशी से उछल रहे थे, वो लोग रो रहे थे। एंड मैंने पहली बार जिंदगी में पहली बार मम्मी और पापा को एक साथ गले लगाया है, तो वो फीलिंग मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, कि मेरे को एक दिन ऐसा मिला जिस दिन मैं उनको साथ में गले लगा पाया और उनके एक प्यार पाया साथ वाला, तो बड़ा ही अमेजिंग फील था। एंड यस, मम्मी बहुत खुश हैं, उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, इतने सालों से मेहनत की है मेरे लिए और मेरे को सपोर्ट किया है, तो फाइनली आज मेरे पास वो बोलते ना कि मेरे पास आज भगवान ने वो सब दिया है जिससे मेरे को थोड़ी खुशी दे सकता हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के उन्हें बहुत सारी खुशियां दूंगा। टाइगर, जानना चाहेंगे इंडियाज बेस्ट डांसर की ट्रॉफी जीत कर किस तरीके से आपकी जिंदगी में बदलाव आए? मैम इंडिया इज बेस्ट डांसर, बोलते हैं ना कि पहले एक बच्चे का सपना है, एक नॉर्मल डांसर का सपना होता है कि वो टीवी पे जाए, बट आप इतने बड़े शो में जाके आप अपना सपना पूरा करते हैं और वो फाइनली वो किताब जीतते हैं। ये हमारा पहला सीजन है इंडिया इज बेस्ट डांसर का, और पहला सीजन जीतना मतलब एक मेरे को हमेशा याद किया जाएगा। जब भी इंडिया इज बेस्ट डांसर 2 आएगा, 3 आएगा, मेरे को पूरे एंड तक याद किया जाएगा। तो मेरे लिए तो ये बोलते हैं कि अमर हो गए आप शो में आके, वो वाली फीलिंग है। एंड यस, मेरे लिए वो मेरा घर है, मेरा प्यार है इंडिया इज बेस्ट डांसर। और आईएससीआरबी शो था इंडियाज बेस्ट डांसर। यस मैम, यस, हाईएस्ट टीआरपी एंड सुपर हिट शो, मतलब मैं तो हमेशा चाहता था कि ये मेरा घर है, उस घर को बहुत प्यार मिले, कभी लॉस में ना जाए, कभी शो की टीआरपी ना गिरे, क्योंकि इतना सुपर हिट शो रहा है इतने हार्ड टाइम में, लॉकडाउन के समय में भी, मतलब कोरोना चल रहा था फिर भी हम लोग फाइटर लड़के परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे, तो काफी मजा आ रहा था। टाइगर, कंटेस्टेंट और साथ की जजेस कितना सपोर्टिव रहे हैं आपकी जर्नी?
मैम कंटेस्टेंट का अगर मैं कहूँ तो कंटेस्टेंट सबसे प्यारे लोग थे मेरी लाइफ के, जो मुझे 2020 में मिले वो लोग मेरे भाई थे, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया जैसे मेरे को जजेस ने प्यार दिया, उतना ही मुझे कंटेस्टेंट से प्यार मिला और उन्होंने मेरे को ज्यादा प्यार दिया। उन लोगों ने बोला कि यार तू इतना अच्छा डांस करता है, और मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया कि यस भाई तू कर और तू अपनी मम्मी का या अपना सपना पूरा करके जा। तो वो चीज मेरे लिए एक ब्लेसिंग वाली फील थी कि बड़े भाई लोग मेरे साथ में हैं, मेरा हाथ मतलब बोलते ना हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो काफी अच्छा फील होता था। इंडियाज डांसर की जर्नी आपकी खत्म हो चुकी है, आप जीत चुके हैं। इसके बाद कौन कौन से कंटेस्टेंट के साथ आप हमेशा कनेक्ट रहने वाले हैं, हमेशा बातचीत में रहेंगे? मैं अगर सच बताऊं तो सारे कंटेस्टेंट जो टॉप 11, आप अगर मैं कहूं तो टॉप 12, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्टिंग से रही है और मैंने टॉप 12 कंटेस्टेंट को देखा है जिसमें हिमांशी भी थी, तो मेरे लिए तो सब लोग ही मेरी फैमिली है, मेरे भाई लोग है, और उनसे शायद मैं पूरी जिंदगी जुड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे से या दो बंदे से, वो सब लोग मेरे दिल के करीब है और हमेशा रहने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कुछ दिनों में एक नया यही शो या कोई शो आए जिसमें हम सबको दोबारा इन्वाइट किया जाए और मजा आ जाए साथ में मिलके। कि क्या कुछ आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जर्नी काफी अमेजिंग रही है इंडियाज बेस्ट डांसर में, तो क्या कुछ आप मिस करेंगे अब जब इंडियाज बेस्ट डांसर खत्म हो चुका है? मैं पूरा शो मिस करूंगा क्योंकि वो मेरा घर है, एंड यस इतना प्यार मिला है मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर से। वो मंच अगर मैं कहूँ तो वो मंच मेरे लिए मेरा मंदिर है, और यस मैं चाहता हूँ कि मंदिर की पूजा मैं हमेशा करता रहूँ और हमेशा उस मंदिर में जाता रहूँ, मेरे को हमेशा याद किया जाए वहां पे। अगर कोई बेस्ट मेमोरी आपको शेयर करनी हो हमारे साथ तो वो क्या हो? मैम बेस्ट मेमोरी ये है कि मतलब ये शो इतना प्यारा है कि सारे कंटेस्टेंट, सारे जजेस एंड सारे हमारे प्रॉप दादा हो, चाहे वो मेकअप दादा हो, सारे लोग, सारी टीम, इंडिया बेस्ट डांसर का घर जो है ना वो इतना प्यारा है, लोग इतने प्यारे हैं कि उस प्यार की वजह से ही वो शो सुपर हिट रहा है। तो मैं तो सबको मिस करने वाला हूँ। ओके, टाइगर वर्थी का आपकी कोरियोग्राफर थी, कितना सपोर्टिव रही हैं वो आपकी पूरी जर्नी में, क्या कुछ आपने उनसे सीखा? मटिया जब मेरे को मिली थी फर्स्ट टाइम में, आपको पता होगा मैंने टॉप 12 तक सोलो डांस परफॉर्मेंस किया था, देन उसके बाद हमें ग्रैंड प्रीमियर में कोरियोग्राफर्स मिले थे, तो सबसे बेस्ट ये थे कि वर्तिका में स्टेज के हैं, हमारे एज में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो हमारा बॉन्डिंग एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा रहा है, हम लोगों ने एक दूसरे को समझा है। तो हम दोनों, मैं पॉपिंग एनिमेशन करते हैं, वो फ्री स्टाइल करता, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज ये थी कि हम फ्री स्टाइल डांस करके के मूवमेंट मैच कर सकते थे, क्योंकि अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग मेंटेलिटी है, अलग अलग डांस है, तो उसे साथ में मैच करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट हमारे लिए अच्छा था क्योंकि हम लोग दिन भर गाने चलाते थे और नाचते रहते थे और अपने मूवमेंट्स मैच करते थे ताकि हमारा डुएट एज अ पार्टनर से बहुत अच्छा दिखे। और सबसे बेस्ट चीज ये थी कि वहां पे जाके मुझे एज अ कोरियोग्राफ नहीं किया गया, मुझे मेरे पे छोड़ा गया कि वर्तिका एंड उनकी टीम में जो लोग थे, हाथना एज ए एक कोरियोग्राफर थे जिन्होंने पूरे एक्ट्स बनाए हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन लोगों ने बोला कि टाइगर तुम इस शो में खुद आए हो, अपने बलबूते पे आए, आपको खुद ही डांस करना है, आपकी बॉडी से डांस निकालना है। तो सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि मुझे, मैं खुद ही ट्रेंड कर रहा था और खुद के मूवमेंट्स निकाल रहा था। बोलते हैं ना कि मतलब सीखने को मिलता है तो आप खुद से इतना सीख रहे हो और इतना एक्सप्लोर कर रहे हो, तो मेरे लिए तो एक पढ़ाई थी वो जो मैं सीख के आया हूँ। बोलते हैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ मैं इंडियाज बेस्ट डांसर से, डांसिंग में सबसे वाह, बेस्ट चीज ये थी। टाइगर नोरा ने हमेशा आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। जब वो उनका लास्ट डे था शो के अंदर, तभी भी वो काफी इमोशनल हुई थी, स्पेशली आपको लेकर। नोरा की तरफ से कुछ मैसेजेस, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह आपको आए? यस मैम, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, इंस्टाग्राम में देखो, उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाला है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू टाइगर पॉप ऑफिशियल, इन्हें टैग किया है, एंड यस उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है, एंड आपको पता है उनका मेरा कनेक्शन बहुत ही रहा है, जो कि मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा जो मुझसे इतना कनेक्ट हो जाएगा और मुझे इतना प्यार करेगा। मेरे लिए आखिरकार उनकी आंखों में आंसू भी आए, और तो मुझे मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मेरी लाइफ से आज कोई अनमोल चीज आई है और थोड़े दिन के लिए अलग होने वाली है, एंड मैं नोरा मैम को बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ ही दिन में मिलने वाला हूँ, एंड यस फिर से वो प्यार जिंदा रहेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। नौरा ने आपको ये वादा किया है कि वो आपके साथ बहुत जल्द वीडियो शूट करेंगे, उसके लिए कितना एक्साइटेड है? कुछ बातचीत हुई उस पर? मैं अभी तो बातचीत नहीं है, बट जस्ट जो भी होगा, मतलब
जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनकी तरफ से, यस मैं तो 200% डैडी रहूंगा, पावरफुल रहूंगा, मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ कि टाइगर पॉप और एनर्जी वाला और खतरनाक डांसर बन जाए जिससे लोगों को मजा आए और देखने में. यस आई एम एक्साइटेड. भारती ने जब आपका ऑटोग्राफ लिया था वो मोमेंट आपके लिए कितना स्पेशल रहा है? यस भारती जी ने मेरा ऑटोग्राफ लिया है. एंड मैं आपको सच बताऊं तो एक जो बड़ी दीदी होता है ना, उन्होंने एक दी की तरह एंड एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है. हर हर शूट पे मेरे लिए खाना लाना, हर शूट पे मेरा ध्यान रखना, हर शूट पे मेरा मुझे मोटिवेट करना, मुझे इतना प्यार देना, मेरे लिए लड़कियां ढूंढना स्टेज पे. तो वो इतना अच्छा पल था कि मतलब ऐसा लगा कि आज पूरी दुनिया की खुशियां मेरे लिए आ गई. एंड ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे लिए इस मंच बना के भेज दिया और आखिरकार वही हुआ. सच में वो मंच मेरे लिए फरिश्ता बन के आया और मेरे सपने को पूरा करके चला गया. टाइगर, आपने जहाँ ये लड़कियों की बात निकाली है, जब आप डांसर में थे तभी लड़कियों की लाइन लग चुकी थी, जीत के आ चुके हैं, उसके बाद कितने आपको सोशल मीडिया में कॉमेंट्स और प्रपोजल आ रहे हैं? यस मैम, मेरे फॉलोवर्स में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां मुझे ज्यादा फॉलो करती हैं एंड वो ज्यादा प्यार देते हैं. अभी रिसेंटली मैंने भारती जी के लिए डांस किया था तू मेरा हमदर्द है, तो सब लोग सब लड़कियां ये कह रही थी कि हमारे आंखों में भी आंसू आ गया, हमें भी लगा कि आज शायद आप ये शो खत्म होने वाला है और टाइगर हमसे अलग होने वाला है, हम आपको आखिरी बार देखेंगे. तो वो सुनना मेरे लिए एक अलग चीज है और वो सुनना मेरे लिए एक ब्लेसिंग की चीज है कि यार कितना प्यार मिल रहा है, लोग कितने जुड़ गए हैं. लगता है कि शायद मैं उनके घर का हूँ, उनका भाई हूँ या उनके घर का एक अनमोल चीज हूँ, ऐसा लगता है. तो बड़ा मजा आ रहा है, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं आपको. टाइगर, आपने भारती को अपनी बहन जैसा माना है, जैसे कि अभी हार्दिक में चल रहा है, काफी वो प्रॉब्लम में चल रहे हैं हर्ष और भारती दोनों, जो भी उनकी गिरफ्तार के सभी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कुछ, क्योंकि मैं उनसे अभी मिला नहीं हूँ, हमारा शो भी एंड हो चुका है एंड मैं कुछ नहीं बोल सकता उनके बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं उस चीज के बारे में. क्योंकि जब से मैं आया हूँ मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं मैम, आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया में इंटरव्यूज आ रहे हैं. तो जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ ऐसे ही मैं हजार लोगों से जुड़ा हुआ हूँ. थैंक यू. ओके टाइगर, जाते जाते फैंस से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया और आपको विनर बनाया आईपीटी का? सभी फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैं उसको बोलना चाहूंगा दिल से कि थैंक यू सो मच मेरे को प्यार करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए. यस एंड आपने इतना प्यार दिया है, आपने मुझे इंडिया का बेस्ट डांसर के लिए वो किताब दिया है, तो यस उसका मैं हमेशा मान रखूंगा और हमेशा आपको ऐसे इंटरटेन करूंगा. और टाइगर वापस लौट के आएगा और आप फिर चिल्लाओगे टाइगर पॉप लेट्स गो. थैंक यू सो मच.